मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 6 दिल्ली की शान लाल किला। खुदकू वाले चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी हैं उसकी मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगी, आप पीडीएफ में से देख कर लिख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली की शान लाल किला चैप्टर। 13 हरि निकुंज मथुरा, 12 अक्टूबर, प्रिय अमन सप्रेम नमस्ते। 12 अक्टूबर 2020, प्रिय अमन सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, मैं भी तुम्हें पत्र नहीं लिख सका क्योंकि मैं अपने मामा जी के साथ दिल्ली गया हुआ था। यहाँ पर एक लड़का ने किसी को पत्र लिख रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारा कितने दिनों से पत्र नहीं मिला है, क्योंकि मैं तुम्हें पत्र नहीं भेज पाया, इसकी वजह यह है क्योंकि मैं मामा जी के पास दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में इस बार मामा जी हम सबको लाल किला दिखाने ले गए। जब जो लड़का दिल्ली में गया था वो मामा जी के साथ दिल्ली में लाल किला देखने गया था। लाल किला बहुत ही बड़ा है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला बहुत बड़ा है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। लाल किला को बनाने में कितने साल लग गए थे, 10 साल। किला बनने पर चीन से रेशम और टर्की से मखमल लाकर इसकी सजावट की गई। लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, इसको बनाने में 10 साल लग गए थे और इसकी रेशम से टर्की और मखमल मंगवा कर इसकी सजावट की गई है। चीन और टर्की से रेशम और मखमल मंगा कर इसकी सजावट की गई। इसके मुख्य 5 दरवाजे हैं जिसमें से केवल 2 ही लोगों के लिए खुलते हैं। इसमें से ओनली 2 दरवाजे हैं वो लोगों के लिए खुलते हैं, एक लाहौरी गेट दूसरा दिल्ली गेट। 2 दरवाजे कौन कौन से हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। मामा जी बताया कि यह किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। लाहौरी गेट भारी भरकम है कि हाथियों की मदद से ही इसे बंद किया जाता है। जो ये लाहौरी गेट है ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है और ये इतना भारी दरवाजा है कि इसको हाथियों की मदद से ही बंद किया जा सकता है। इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते, इसको हाथी बुलाकर हाथी की मदद से ही बंद किया जा सकता है। लाहौरी गेट से अंदर जाते ही छट्टा चौक है। लाहौरी गेट में जैसे ही अंदर घुसते हैं वहाँ पर क्या आता है, छट्टा चौक आता है जिसे मीना बाजार कहते हैं। छट्टा चौक को क्या कहते हैं, मीना बाजार। कुछ खास दिनों में यह बाजार रात को लगता है। कभी कभी यह बाजार मीना बाजार जो है वो रात को लगता है जिसमें केवल महिलाएं ही जा सकती हैं। मीना बाजार में केवल कौन जा सकता है, महिलाएं। मीना बाजार में केवल कौन जा सकता है, महिलाएं। रंग बिरंगी चूड़ियां पुदने जेवर और तरह तरह की नक्काशीदार चीज़ों से यह बाजार जगमगा उठता है। जब यहाँ पर महिला बाजार लगती है तब यहाँ पर रंग बिरंगी चूड़ियां फूदने जेवर तरह तरह के नक्काशीदार चीज़ों, मतलब नक्काशीदार एक डिजाइन का नाम है, मतलब उस प्रकार की डिजाइने के यहाँ पर बाजार लगता है और उस इन सब से बाजार क्या होता है, जगमगा उठता है। चट्टा चौक के बाद नौबत खाना आता है। चट्टा चौक जो होता है, चट्टा चौक को क्या बोलते हैं, मीना बाजार। मीना बाजार के बाद में क्या आता है, नौबत खाना। संगीतकारों की महफिल सस्ती है, नौबत खाना में संगीतकारों की महफिल सस्ती है। इस दरवाजे को पार करने पर एक खुला मैदान है जो दीवाने आम कहलाता है। संगीतकार जो नौबत खाना है, नौबत खाना के बाद में जो खुला मैदान है, खुले मैदान का उसको हम क्या कहते हैं, दीवाने आम। जो खुला मैदान है उसको हम क्या कहते हैं, दीवाने आम। बादशाह आम लोगों की शिकायतों को सुनता है, खास मेहमानों और मंत्रियों से भी यही मुलाकात करते हैं। दीवाने आम में क्या क्या करते हैं महाराजा, दीवाने आम में लोगों की शिकायत सुनते हैं और खास लोग और मंत्रियों को भी वहाँ पर मुलाकात के लिए बुलाते हैं। दीवाने आम में बादशाह के बैठने के लिए एक सिंहासन है। दीवाने आम में जहाँ पर लोगों की शिकायत, खास मंत्रियों और जो मीटिंगें की जाती थी वहाँ पर एक क्या है, सिंहासन है जो मोर के आकार का बना हुआ, जो किसके आकार का बना हुआ, मोर के आकार का। उनका कोई बहुमूल्य रत्न जुड़े हुए हैं जिनमें कोहिनूर हीरा भी एक था। तो जो सिंहासन बना हुआ था वो मोर के आकार का था और उसमें बहुमूल्य रत्न, मतलब कीमती कीमती रत्न जुड़े हुए थे और उसमें एक कोहिनूर हीरा भी था। कोहिनूर हीरा बहुत महंगा कहलाता है।
तुमने सुना ही होगा कि कोहिनूर हीरों को नादिर शाह अपने साथ ले गया था। महाराजा का जो सिंहासन है उसमें जो कोहिनूर हीरा था उसको नादिर शाह चुरा कर लेके चला गया था। हमने लाल किले में एक संग्रहालय भी देखा, संग्रहालय मतलब जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं वो भी देखा। पहले यह मुमताज महल कहलाता था, बेगमों के लिए एक और महल था रंग महल, जो संग्रहालय था उसको पहले मुमताज महल कहते थे, उसके बाद में एक और महल है उसको रंग महल कहते, बेगमों के लिए जो महल है उसको क्या बोलते हैं, रंग महल। इसकी छतों पर नक्काशी की गई हो, इसकी छत पर नक्काशी की गई मतलब डिजाइने की गई है। किनारों पर संगमरमर के सरोवर बने हुए जो महल को ठंडा रखते हैं, संगमरमर के सरोवर बनाए गए मतलब अगर कहीं पे पानी होगा तो उससे पानी से क्या होता है, आजू बाजू में अगर पानी का आवरण होगा तो उससे क्या रहता है, हमारा आवरण ठंडा रहता है। क्या तुम जानते हो कि अमन की लाल किला का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यही वह जगह जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आज़ाद होने का संदेश सभी भारतीयों को दिया था। लाल किला इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरा का पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है और इस पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो यहाँ पर झंडा फहराने का काम करते हैं और सभी देशवासियों से संदेश देते हैं। मुझे आशा है कि तुम भी कभी अपने परिवार के साथ लाल किला देखने गए जाओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र निखिल। यहाँ पर हमें पत्र लिखते हुए उसने क्या बोला है कि आप भी कभी लाल किला देखने जाइएगा और वहाँ पर जो जो आप लोगों ने देखा वो आप हमें बताइएगा। तुम्हारा प्रिय मित्र निखिल।